नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान अय्याशी का मामला सामने आया है, जहां ग्रेटर नोएडा के बीटा दो थाना पुलिस ने बुधवार रात नाइट कर्फ्यू में दो होटल पर छापा मारा। दरअसल यहां पर सिग्मा सेक्टर स्थित होटल के बेसमेंट में एक कंपनी द्वारा दी गई पेंट्स व्यापारियों की नववर्ष पार्टी में अर्धनंग हालात में अश्लील मुद्रा और डांस चल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की और अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से कॉन्डम, सेक्स वर्धक दवा, शराब, नकदी, 8 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों स्थानों से 31 पुरुष और 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुरुषों में 2 होटल संचालक व महिलाओं में 1 विदेशी नेपाली मूल की युवती और इवेंट मैनेजर शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर अदालत में पेश किया है। पुलिस ने मौके से होटल संचालक दनकोर के बागपुर निवासी अनुज, 2 लड़कियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि लड़कियों को सिग्मा 1 सेक्टर के पोल नेस्ट ओयो होटल से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नटो की मड़िया के पास एक नए खुले ओयो होटल स्वीट्स रेजिडेंसी में अश्लील मुजरा और अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। वहां पर एक बड़े आयोजन के लिए उनकी अन्य साथियों को भी बुलाया गया है। यहां होटल के मैनेजर बागपत के रोहित सिसोदिया और होटल मालिक गाजियाबाद के निशांत चौहान ने अमित कुमार मित्तल के माध्यम से लड़कियों को बुलाया था। पुलिस ने सिग्मा 1 सेक्टर पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि यहां पर्ल नेस बेसमेंट में शराब परोसी जा रही है और अश्लील मुजरा चल रहा है। सिग्मा सेक्टर में होटल में पड़ताल के लिए पहले पुलिस ने 2 सादा कपड़े पहने पुलिस कर्मियों को भेजा। दोनों पुलिसकर्मी दर्शक बनकर बैठ गए। इस दौरान शराब पार्टी के साथ अर्धनग्न हालात में लड़कियां मुजरा डांस करती दिखी। वहीं मौके पर मौजूद लोग उन पर नोट उड़ा रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेज दी, जिसके बाद पुलिस ने यहां छापा मारकर कुल 36 को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पकड़े गए कई लोग पेंट्स की दुकान चलाते हैं, उन्हें एक कंपनी ने नववर्ष की पार्टी दी थी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।